distribution of like objects. ये ठीक है, मान लिया मेरे पास 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ठीक है, एंड आई एम सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 5 पर्संस, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? ठीक है, तो 5 पर्संस मान लिया ये P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है, अगर मेरे पास 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता, ठीक है, तब तो क्या है कि ये भी मैटर करता कि किस बंदे के पास कौन सी ऑब्जेक्ट गया है, पहला चीज, और ये भी मैटर करेगा कि कितने ऑब्जेक्ट गए हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, तो अगर मेरे पास 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता तो मैं ये करता, सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, पहला ऑब्जेक्ट उठाते उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, उसको देने के कितने तरीके, 5, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उठाते उसको देने के 5, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट उठाते, ऐसे करके 20 बार करते, तो आंसर वुड हैव बीन 5 raised to power 20 अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, ठीक है, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो सारी ऑब्जेक्ट एक जैसी, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में तो केवल ये मैटर करेगा कि किसको कितना ऑब्जेक्ट मिला, बस कौन सा मिला इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो 5 पर्संस है और कितना हमने बोला 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, ऐसे स्लैश लिया 4 slash, ठीक है, और ऐसे 20 ओ लिया, इनको मिला के परम्यूट करा दिया, ठीक है, इनको मिला के परम्यूट करा, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है 4 और दूसरी 20 आइडेंटिकल दूसरे टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मिला के परम्यूट कराया, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 24 ऑब्जेक्ट्स हो गया, उसमें 4 एक जैसा, 20 एक जैसा, ये ठीक है, इसको सीधा सीधा भी हम ये बोल सकते हैं कि इनको परम्यूट कराने का मतलब क्या है कि 24 प्लेसेस पे हमें ये या ये रखना है, अब दो ही प्रकार की ऑब्जेक्ट हैं, तो हमने क्या किया, इन 24 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, वहाँ तो स्लैश रख दिया, ये ठीक है, कुछ ऐसे करके, और जो बचे हुए 20 प्लेसेस हैं वहाँ पे अपने आप ये चला गया, तो ये दोनों एक ही बात है, कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट का जो परम्यूटेशन है उधर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली 24C4। नाउ व्हाट वी आर क्लेमिंग कि अगर हमें 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 5 लोगों को देना है तो उसके नंबर ऑफ तरीके यही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने तरीके से इनको परम्यूट करा सकते हैं उतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मान लिया एक परम्यूटेशन ये आया, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया एंड दिस, और बचा हुआ यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो भी 20 था, हमने क्या किया, 4 स्लैश लिया है, मतलब ये 4 लाइंस लिए हैं और 20 ओ लिए हैं, इनको परम्यूट कराया, तो एक परम्यूटेशन ये आया, अब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मैंने मान लिया 2 स्लैश मारा तो ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 स्लैश मारने से 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 5 ही पर्सन है, तो अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्लैश 1 से पहले जितना भी ओ है वो पर्सन 1 को गया, पहले स्लैश और दूसरे स्लैश के बीच में जितना भी ओ है वो 2 को गया, ये 3rd पर्सन को गया, ये 4th पर्सन को गया और ये 5th पर्सन को गया, तो मतलब ये परम्यूटेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग है, व्हेन पर्सन 1 इज गेटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, पर्सन 2 इज गेटिंग नन, पर्सन 3 इज गेटिंग 1 ऑब्जेक्ट, पर्सन 4 इज गेटिंग 3, 6 और 7 और बचे हुए ऑब्जेक्ट P5 पे चला गया, ऐसे हमने इसको एक्सप्लेन किया, मॉडल किया क्वेश्चन को, तो उससे क्या होगा कि अब तुम कोई भी परम्यूटेशन उठाओ उसके करस्पॉन्डिंग एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, या फिर कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो 5 लोग हैं उनको हमने ऐसे दिया 10, 10, 20 और इन तीनों को 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक ना एक परम्यूटेशन आ जाएगा, एक ना एक नहीं मतलब एग्जैक्टली एक आएगा, देयर इज 1-to-1 रिलेशन, हर परम्यूटेशन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही परम्यूटेशन है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ना तो फालतू है ना कम है, तो हमारा आंसर ये हो गया।
ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि इफ वी आर हैविंग आर पर्संस, ये ठीक है, और उनको एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, आइडेंटिकल वर्ड, तो हम क्या करेंगे, जितने भी पर्सन है उससे एक कम ऐसे लिख लिया, आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो जैसे यहाँ पे पांच पर्सन थे तो फोर स्लैश लिया, तो हमने फोर सी फोर, प्लस 20 ऑब्जेक्ट था तो 20, उसी की वजह से ये 24C4 आया, तो सेम थिंग यहाँ पे, अगर r persons हैं तो एक कम r माइनस वन सी आर माइनस वन, और n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो n, तो ये नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग r persons, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत क्विकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लिया हमारे पास 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और वही 5 persons हैं, ठीक है, तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब और कोई रेस्ट्रिक्शन है, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बांटना है, तो ऑफ कोर्स आंसर इज चार लोगों में बांटना है 20, तो ये हो गया, ये ठीक है। सेकंड के एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 20 ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से कम एक बांटना है, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एक बटा तो भी ठीक, दो बटा तो भी ठीक, तीन बटा तो भी ठीक, सारे 20 बांट दिए वो भी चलेगा, तो इसका एक आंसर तो ये हो गया कि एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्टली एक बटा, ये ठीक है, एग्जैक्टली वन डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जैक्टली टू डिस्ट्रीब्यूटेड और थ्री और ऐसे करते करते और 20 डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मान लिया एग्जैक्टली एक डिस्ट्रीब्यूट किया तो नंबर ऑफ पर्सन तो 5 ही रहेगा, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 4C4 लिखो एक कम करके, और जितना ऑब्जेक्ट बांटना है वो यहाँ लग दिया, तो प्लस 1, दो बांटना है तो 2 + 4C4 और का मतलब प्लस होगा, तीन बांटना है तो 3 + 4C4 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 20 + 4C4, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको करने का एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि मैंने क्या बोला कि 5 पर्सन तो ठीक है, ये ठीक है, P5, मैंने उनके बराबर में एक बॉक्स और रख दिया, ये ठीक है, सिक्स्थ पर्सन की तरह एक बॉक्स रख दिया, अब मैंने बोला कि इन 6 लोगों में बांट दिया, ठीक है, बॉक्स का एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जितना भी ऑब्जेक्ट बॉक्स में जाएगा उतना ऑब्जेक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब जैसे मान लिया बॉक्स में चार गया तो उसका मतलब क्या है, चार तो बॉक्स में गया तो इन 5 लोगों के पास कितना बचा, 16, तो 16 ऑब्जेक्ट जितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सारे केस अपने आप काउंट हो गए। ठीक है, तो ऐसा करने से अब 6 persons हो गए, तो हम लिखेंगे 5C5 प्लस 20 ऑब्जेक्ट्स 20, ये ठीक है, तो बस इसमें एक दिक्कत क्या है कि उसने बोला कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट बांटना है, तो इसके अंदर तो एक केस वो भी आ जाएगा जब सारी ऑब्जेक्ट बॉक्स में चली गई, जो भी 20 ऑब्जेक्ट्स हैं सारी ऑब्जेक्ट बॉक्स में चली तो कुछ भी नहीं बटा, तो वो एक केस हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा, ये ठीक है। और आगे चल के जब बाइनोमियल वगैरह पढ़ेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सीरीज का सम यही होता है, दोनों की बात, ठीक है, ओके। थर्ड इसी में कि वो जो 5 पर्सन हैं उनमें से एक का नाम मान लिया ए, तो ए गेट्स एट लीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक, कम से कम 3 ऑब्जेक्ट ए को मिलना चाहिए, तो इस केस में हमने क्या किया कि ए को 3 दे दिया पहले, ठीक है, ए को 3 दे दिया तो 20 में से अब कितना बचा, 17। अब उसने ये तो बोला नहीं कि ए को एग्जैक्टली 3 मिलना चाहिए, उसने बोला कम से कम 3 मिलना चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले वो कम से कम वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करा दिया, उसको 3 दे दिया, और उसके बाद जो 17 ऑब्जेक्ट बचा, 17 ऑब्जेक्ट, वो वापस 5 लोगों में बांट दिया, तो 5 लोगों में मतलब 4C4 और 17 ऑब्जेक्ट तो प्लस 17। अब इसमें क्या होगा कि जब दूसरे राउंड में बट रहा होगा तो हो सकता है कि ए को कुछ मिला मिले, अगर ए को कुछ नहीं मिला तो उसके पास 3 ही ऑब्जेक्ट आए टोटल, दूसरे राउंड में हो सकता है उसके पास 10 ऑब्जेक्ट और आ जाए, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, तो सारे केसेस अपने आप काउंट हो गए, ये ठीक है। और फिर फोर्थ पार्ट कि ए गेट्स मिनिमम 4 एंड बी गेट्स मिनिमम 5, ठीक है, ए को कम से कम 4 मिलना चाहिए, बी को कम से कम 5 मिलना चाहिए, तो वही थर्ड पार्ट की तरह हमने ए को 4 दे दिया, बी को 5 दे दिया, 9 ऑब्जेक्ट चला गया, फिर बचे हुए कितनी 11 ऑब्जेक्ट वापस सब 5 लोगों में बांट दिया, क्योंकि
ए को मिनिमम 4 बोला, उसने ये नहीं बोला कि ए को एग्जैक्टली 4 देना, अगर ए को एग्जैक्टली 4 देना होता तो हम 4 दे के ए को भगा देते, बट अभी तो नहीं भगाया, अभी तो उसको वहीं खड़े रखा और वापस ये 5 लोगों में बांट दिया, तो 11 + 4c4 ये आंसर हो गया, ठीक है। और एक फिफ्थ पार्ट, ए गेट्स मान लिया मिनिमम 4, ये ठीक है, बी गेट्स मिनिमम 4 एंड से मैक्सिमम 8, ये हो गया, मतलब क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो पहले तो हमने क्या किया, मैक्सिमम पढ़ाई, पहले तो हमने केवल मिनिमम मिनिमम पढ़ा, अगर ए को 4 देना है और बी को भी 4 देना है तो 4 और 4 8 ऑब्जेक्ट दे दिया और 12 ऑब्जेक्ट बांट दिया सब में ए और बी को मिला के, तो 4c4। तो अगर ये मैक्सिमम वाली लाइन नहीं होती तो आंसर यही होता, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आंसर नहीं है, इसके अंदर वो केस भी आ गए जिसमें बी को 8 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिला होगा, ये ठीक है, वो केस भी काउंट हो गए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इनमें से, इन केसेस में से अनफेवरेबल घटा दिए, ठीक है। अब इस केस के अंदर को ए जो होगा उसको कम से कम 4 मिला ही होगा और बी जो होगा उसको कम से कम 4 मिला होगा, ये ठीक है। बस दिक्कत कहाँ पे है कि बी को 8 से भी ज़्यादा मिला होगा, तो अब मैंने वो वाले केस घटा दिए, ये ठीक है। कौन से केस घटा दिए, जिसमें ए को तो कम से कम 4 मिला है और बी को कम से कम 9 मिला है, ये ठीक है। अगर बी को 8 मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने बोला कि मैक्सिमम 8 तक मिल सकते हैं, बट अगर बी को 9 मिले तो गड़बड़ है। तो अब मैंने ये वाले केसेस घटा दिए, तो हमने क्या किया, वो केस घटाने, इसमें ए को 4 मिला और बी को कम से कम 9 मिला, तो ए को हमने 4 दे दिया, बी को 9 दे दिया, तो 9 और 4 13 चला गया, 7 ऑब्जेक्ट बचा, तो 7 + 4c4, अब हमारा आंसर ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, सो दिस विल बी आवर आंसर।